हे गाइस, वेलकम टू टेली सोप। अक्षरा और नैतिक के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ने लिया है एक मोड़। घर पर ठहरे मेहमान मोहित और यश के साथ ही नैतिक अपना सारा वक्त बिता रहे हैं और इन सब में अक्षरा और नैतिक को अकेले टाइम बिताने का मौका नहीं मिल रहा है। और अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऑफिस के कुछ लोग अक्षरा से नाराज हैं। ऐसा क्या हुआ वो तो हमें उनके पति नैतिक ही बता सकते हैं। जी हाँ, एक गलतफहमी हो जाती है। ये इल्ज़ाम आ जाता है अक्षरा पर कि क्लाइंट जो हमारे एक थे मिस्टर मुकुंद, उन्होंने एक डील हमारे से कैंसिल कर दी। दैट हैपेंड बिकॉज कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया, इज़ व्हाट आई वाज बिलीविंग। बट ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनकी तरफ से कोई गलती हो जाती है कि उनको मेल पहुँचती नहीं है और सारा इल्ज़ाम अक्षरा पर आ जाता है। तो आज बाइज्जत वो बरी हो गई हैं और करिश्मा को दो चीज़ें मैं सुनाता हूँ, बिकॉज वो काफ़ी अक्षरा को टॉन्ट मार रही थी बार बार कि जैसे मुझे नौकरी से निकाल दिया गया एक गलती की वजह से, शायद आपको भी इस गलती की वजह से निकाल देना चाहिए, आपको क्यों काम करना चाहिए। तो वही उसे समझाता हूँ कि अगर बनना है तो अक्षरा के जैसे बनो। चलो, लाइफ में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती ही रहती है, लेकिन हमें ये खुशी है कि अक्षरा पर लगे इल्जाम गलत साबित हुए। टू नो मोर हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स बिलो।